दोस्तों, पूर्वांचल के विकास में गोरखपुर में तैयार हो रहे खाद कारखाने का अहम योगदान है। कारखाने को पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्था टोयो जोर शोर से लगी है। इसके लिए तरह तरह की विदेशी मशीनें मंगाई गई तथा इसमें सिंगापुर से मंगाई गई सबसे बड़ी क्रेन दिमाग की चर्चा में इन दिनों सभी की जुबान पर है। यह क्रेन एक बार में 1250 टन वजन उठाकर निर्धारित स्थान पर रखने में सक्षम है। इसे प्रतिदिन 20 लाख या इससे भी अधिक की कमाई की जा सकती है। इस दिमाग नामक क्रेन के पुर्जे अलग अलग मंगाए गए तथा यहां इन्हें जोड़ा गया है। टोयो कंपनी की अनुमति मिलने के बाद में क्रेन से कार्य शुरू कर दिया है। क्रेन ने पिछले वार को निर्माणाधीन खाद कारखाने में 140 टन का वजन उठाया था। इस हिसाब से 19 लाख रुपए से अधिक की कमाई हुई तथा क्रेन में प्रति घंटा 50 लीटर की खपत होती है। खाद कारखाने में छोटी क्रेनों का किराया निर्धारित है। रोजाना 40 टन तक वजन उठाने वाली क्रेन को महीने में 2.5 लाख और 80 टन वजन उठाने वाली क्रेन को प्रति माह 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। खाद कारखाना के निर्माण के लिए कई मशीनें महीनों की यात्रा के दौरान गोरखपुर पहुंची। इसमें एक तो मशीन इतनी भारी है कि जिसने 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे लिए। इस मशीनों को लाने के लिए भी अलग अलग से विशेष वाहनों की व्यवस्था की गई। कारखाने की मशीनों को निर्धारित स्थान पर रखने के लिए काफी बड़ी क्रेन मंगाई गई थी। दोस्तों, यह क्रेन इतनी बड़ी है कि इसको देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोस्तों, आपको इस विशाल क्रेन के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें।